हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वर्नलाइजेशन एंड डिवर्नलाइजेशन के बारे में। वर्नलाइजेशन और डिवर्नलाइजेशन क्या है, कैसे होता है यह प्लांट में, इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द लो टेम्परेचर गिवन एज अ प्लांट शोज द फ्लावरिंग, मीन्स द फ्लावरिंग इज प्रमोटेड बाय कोल्ड टेम्परेचर कॉल्ड एज द वर्नलाइजेशन। अब वर्नलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर में ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस कोल्ड टेम्परेचर में ट्रीटमेंट देने के बाद प्लांट में क्या आती है, फ्लावरिंग आती है, इसी को ही वर्नलाइजेशन कहा जाता है। वर्नलाइजेशन यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्नलाइजेशन क्या करता है, प्लांट को फ्लावरिंग के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। द रिक्वायरमेंट टेम्परेचर एंड लेंथ ऑफ चिलिंग डिपेंड ऑन द प्लांट स्पेसीज एंड वेराइटी। यह जो कोल्ड टेम्परेचर में हम प्लांट को ट्रीटमेंट देते हैं, यह डिफरेंट स्पेसीज या वेराइटी के लिए इसका जो टाइम रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। यानी कि हम कोई अलग स्पेसीज है तो उसको 10 घंटे देंगे टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर का ट्रीटमेंट, कोई वेराइटी के लिए 10 घंटे, कोई वेराइटी के लिए 20 घंटे, या फिर किसी वेराइटी के लिए 10 दिन 20 दिन ऐसा भी हो सकता है। आफ्टर वर्नलाइजेशन दिस प्लांट आर कैपेबल फॉर द फ्लावरिंग। यह वर्नलाइजेशन यानी कि कोल्ड टेम्परेचर में ट्रीटमेंट देने के बाद प्लांट में वो क्या हो जाता है, प्लांट जो होता है कैपेबल हो जाता है फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए। द लो टेम्परेचर और चिलिंग ट्रीटमेंट कॉल एज द वर्नलाइजेशन बाय लिनिस्को इन 1928। अब यह जो चिलिंग टेम्परेचर है जो प्लांट को हम दे रहे हैं, इसको वर्नलाइजेशन कहा जाता है। और यह वर्नलाइजेशन जो कंसेप्ट है लिनिस्को ने 1928 में हमको बताया था। द कंडीशन ऑकर इन विंटर वेराइटीज ऑफ सम एनुअल फूड प्लांट, एग्जाम्पल वेट। अब यह जो कंडीशन है हमको नेचुरली भी देखने को मिलती है। विंटर में हम जो वेट लगाते हैं उसमें वर्नलाइजेशन होता है जो कि नेचुरली होता है। यह रहा वर्नलाइजेशन की प्रोसेस। ये जो है, यह जो है वर्नलाइज प्लांट है और यह जो है नॉन वर्नलाइज प्लांट है। यानी कि ये जो जर्मिनेटेड सीड्स है इसको कोल्ड टेम्परेचर में ट्रीटमेंट दिया गया, जबकि इस आफ्टर वर्नलाइजेशन इसमें क्या आई, कुछ दिन में फ्लावरिंग्स आई। और यह जो है नॉन वर्नलाइज प्लांट है, यानी कि उतने ही दिन में ये इसको कोल्ड टेम्परेचर नहीं दिया गया तो यह प्लांट की आप ग्रोथ भी दे सकते हैं। यह है इफेक्ट वर्नलाइजेशन का। साइट्स ऑफ वर्नलाइजेशन। द स्टिमुलस ऑफ वर्नलाइजेशन परस्यू ओनली बाय मेरिस्टेमेटिक सेल्स शूट एम्ब्रियो टिप डेवलपिंग लीव्स। अब यह जो है वर्नलाइजेशन ऐसा नहीं कि पूरे प्लांट में ही होता है, यह प्लांट के कुछ पर्टिकुलर पार्ट में ही हमको वर्नलाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे कि शूट टिप हो या फिर एम्ब्रियो टिप हो या फिर कुछ न्यूली डेवलपिंग जो लिप्स है उसमें भी हमको वर्नलाइजेशन देखने को मिलता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो लो टेम्परेचर, प्लांट को कैसे है लो टेम्परेचर में ट्रीटमेंट दिया जाता है। और यह जो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का जो टाइम है वो डिफरेंट स्पेसीज़ के लिए डिफरेंट होता है। और जो लो टेम्परेचर हम देते हैं वो जर्मिनेटेड सीड को देना है, यानी कि जो डिवाइडिंग सेल्स है जिसमें सेल्स का कंटिन्यू डिवीजन होगा, ऐसे सीड्स को हमें क्या देना है, टेम्परेचर देना है, जो कि जर्मिनेटेड सीड होना चाहिए। अगर हम डॉर्मेंट सीड, यानी कि एक डॉर्मेंट सीड है उसको अगर कोल्ड टेम्परेचर देता है तो उसमें वर्नलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है जो जर्मिनेटेड सीड में एक्टिव डिवाइडिंग सेल कंटिन्यूसली सेल का डिवीजन चालू रहता है, इसलिए इसमें जो वर्नलाइजेशन कंसेप्ट है परफेक्टली काम करेगा। अब वर्नलाइजेशन में इसमें वाटर को भी प्लांट को या फिर जो कोई जर्मिनेटेड सीड्स है उसमें वाटर को भी प्रॉपरली उसमें मेंटेन करना पड़ता है। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्नलाइजेशन। इट इंक्रीज द यील्ड, रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड डिसीज एंड कर्नल विंकल्स ट्रिक्टाकल्स कैन बी रिमूव बाय वर्नलाइजेशन। अब यह क्या होता है, जब वर्नलाइजेशन हम कोल्ड टेम्परेचर देते हैं इसके एडवांटेज भी है कुछ। इसमें क्या होती है, प्लांट की जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ प्लांट जो ठंड में ग्रो होने के लिए रेजिस्टेंस उसमें बढ़ जाती है और डिसीज रेजिस्टेंस भी प्लांट हो जाता है। कि कर्नल विंकल्स ट्रिक्टाकल्स ऐसा एक वेट में यह देखने को मिलता है हमको, तो यह कर्नल विंकल ट्रिक्टाकल्स को भी यह क्या कर देता है, रिमूव कर देता है वर्नलाइजेशन की मदद से। इट्स हेल्प इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप में क्या आती है, इम्प्रूवमेंट आती है इसकी वजह से, वर्नलाइजेशन की वजह से। वर्नलाइजेशन इंक्रीज द कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट एंड वर्नलाइजेशन इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट टू फंगल डिसीज। वर्नलाइजेशन जो है यह प्लांट में, प्लांट यानी कि कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो हो ऐसा नेचर बिल्ड कर देता है, कोल्ड रेजिस्टेंट बना देता है प्लांट को, डिसीज रेजिस्टेंट भी बना देता है, यानी कि फंगल डिसीज जैसे डिसीज भी इस पर अटैक नहीं कर पाते, ऐसा डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट को बना देता है। By vernalization, the winter varieties of crop can be converted into spring variety. जो winter varieties of crop है इसको हम spring varieties में भी vernalization की मदद से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. सीजन यानी कि पूरा का पूरा जो winter में जो variety आती है वो spring में आएगी, ऐसा भी हम vernalization की वजह से कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिवर्निलाइजेशन. डिवर्निलाइजेशन क्या कंसेप्ट है, ये जो है वर्निलाइजेशन की पूरा अपोजिट है. हम इसमें क्या कर सकते, इसमें क्या करते थे हम वर्निलाइजेशन में, प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर देते हैं, लो टेम्परेचर में ट्रीटमेंट करते हैं. डिवर्निलाइजेशन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में प्लांट को ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसे कि डिवर्निलाइजेशन कहा जाता है. यह रहा कंसेप्ट डिवर्निलाइजेशन एंड वर्निलाइजेशन का. डिवर्निलाइजेशन कुछ नहीं, पूरा वर्निलाइजेशन के अपोजिट है. इसमें हम कोल्ड टेम्परेचर देते थे वर्निलाइजेशन में, इसमें जो है हमको हॉट टेम्परेचर में प्लांट को क्या करना है, ट्रीट करना है, जो कि नेचुरली भी हो सकता है. समर में हमको ये कंसेप्ट देखने को मिलता है. तो यार रहा पूरा कंसेप्ट वर्निलाइजेशन और डिवर्निलाइजेशन. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी. ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. धन्यवाद.